मैं हूँ देवांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म सूर्यवंशी को लेकर खबरों में बने हुए हैं, जो दिवाली के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। फिल्म सूर्यवंशी ने सिनेमा घरों में 11 दिनों का सफर पूरा कर लिया। इन 11 दिनों में फिल्म ने अपने खाते में 150 करोड़ रुपए जोड़ लिए, जिसे ट्रेड एक्सपर्ट्स में खुशी की लहर। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना था कि कोरोना महामारी के कारण सिनेमा घरों में पड़े सूखे को खत्म करने के लिए एक दमदार फिल्म की जरूरत है। सूर्यवंशी ने उस फिल्म की कमी को पूरा कर दिया। फिल्म सूर्यवंशी ने अपने दूसरे सोमवार को 4.5 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसको मिलाकर इसकी कुल कमाई 155.73 करोड़ रुपए हो गई। फिल्म ने दूसरे सोमवार को जिस तरह के आंकड़े दर्ज कराए हैं, उससे साफ हो गया है कि ये इस वीक भी अच्छी कमाई करने वाली। अक्षय कुमार की सूर्यवंशी ने 11 दिनों में 155 करोड़ रुपए की कमाई करके साबित कर दिया कि ये फिल्म जल्द ही 200 करोड़ के पार भी पहुंच जाएगी। फिल्म सूर्यवंशी के द्वारा लगातार जारी अच्छी कमाई से रोहित शेट्टी भी काफी खुश है। रोहित शेट्टी ने फिल्म सूर्यवंशी की सफलता का पूरा श्रेय ऑडियंस को दिया, जिसने उनके इंतजार को सफल बनाया। रोहित शेट्टी की ये फिल्म कोरोना से पहले बॉक्स ऑफिस पर आने वाली, लेकिन महामारी की वजह से ये लगभग 1.5 साल तक अटकी रही। फिल्म सूर्यवंशी में अक्षय कुमार और कटरीना कैफ के अलावा अजय देवगन, रणवीर सिंह, जावेद जाफरी और गुलशन ग्रोवर जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आए। इन सभी की शानदार एक्टिंग का सूर्यवंशी को फायदा हुआ। फिल्म देश के साथ साथ विदेशों में भी ताबड़तोड़ कमाई कर रही। ओवरसीज पर फिल्म ने 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ की कमाई कर सूर्यवंशी ने कोरोना काल में एक बड़ा इतिहास रच दिया। इस दौर में जहां लोग थिएटर में फिल्म रिलीज करने से डर रहे थे, अक्षय ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर हर किसी को हैरान कर दिया। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि आने वाले दिनों में ये फिल्म क्या धमाल मचाती। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।